हेलो मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप 50 HP में ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक ऐसा शानदार ट्रैक्टर का रिव्यू लेके आए हैं। तो 2024 में इसके प्राइस भी बताऊंगा, क्या क्या कुछ इस ट्रैक्टर में प्राइस होने वाले हैं और आपको इस ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सामने की फ्रंट की, बाकी आप देखकर पहचान तो गई होंगे कि कौन सा ट्रैक्टर है। तो मैं इसके नाम के बारे में भी बता दूं आपको, तो महिंद्रा यूवो टैच प्लस 585 DI ट्रैक्टर है, जो आपको 50 HP में 4 सिलेंडर में मिलने वाला है। तो सामने इसमें हैलोजन बल्ब दिए गए हैं, जो आपको चौकोर लाइट में दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हेडलाइट आपको हैलोजन बल्ब में मिलती है। हैलोजन बल्ब से क्या होता है कि जैसे अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो जो धुंध वगैरह फैलती है, तो जो हैलोजन बल्ब होते हैं इनमें पीला प्रकाश होता है इनका, तो वो धुंध को काटते हैं, जो आपके चलाने में काफ़ी सहायक होते हैं और आपको काफ़ी घटनाओं से भी बचाते हैं हैलोजन बल्ब, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छा उजेला होता है, तो आपको साफ नज़र आते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनमें जाली वगैरह दी गई हैं, जो कि आपको अदर कंपनियों के ट्रैक्टर में ऐसी देखने को नहीं मिलती हैं। अब कुछ किसान भाई ये कहेंगे कि इनमें जाली क्यों दी गई है, कि जाली इसलिए दी गई है कि इसके नीचे दिया गया है रेजुलेटर। जैसे आप बगल साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी जाली दी गई है और इस साइड भी जाली दी गई है, तो इसके अंदर दिया गया है आपका सेफ्टी में रेजुलेटर। जैसे क्या होता है कि मेरे किसान भाई ट्रैक्टर को थ्रेसिंग वगैरह में चलाते हैं या और भी कारखाने में चलाते हैं, तो जो धूल मिट्टी होती है, मोटे मोटे कड़ होते हैं, इस जाली के द्वारा वो रुक जाते हैं, वो अंदर तक नहीं जाते हैं, तो आपका रेजुलेटर चोक नहीं होता, एक लंबे समय के लिए हो जाता है। जैसे कि अगर चोक हो गया तो उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, तो कंपनी ने काफ़ी सावधानी बरतते हुए ट्रैक्टर का निर्माण किया है। और यहाँ पर इसमें कंपनी फिटिंग ही बम्पर मिलने वाला है, काफ़ी हैवी वेट के साथ बम्पर दिया गया है। आपने छोटे ट्रैक्टर देखे होंगे, अदर कंपनियों के ट्रैक्टर भी देखे होंगे, तो वो आगे से उठने लगते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हैवी वेट के साथ बम्पर दिया गया है और नीचे यहाँ पर वेट पट्टी भी लगाई गई है अलग से, ताकि ट्रैक्टर की सावधानी और भी बनी रहे, आगे से बिल्कुल भी ना टंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वेट पट्टी दी गई है। और अगर आपको ये ट्रैक्टर ख़रीदना है या आपको और भी जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर एजेंसी का पता लिखा हुआ है, त्रिवेदी ऑटोमोबाइल बिजावर नाका छतरपुर मध्य प्रदेश में है, और नीचे जी मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप कॉल करके महिंद्रा कंपनी के किसी भी ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको जो भी कंफ्यूजन है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और आगे साइड से जो एक्सल दिए गए हैं, इसके काफ़ी लंबे चौड़े एक्सल मिलने वाले हैं, देख सकते हैं आप कितनी मजबूत एक्सल दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में। और टायर साइज की बात कर लेते हैं आगे के, इसमें बड़े वाले टायर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर 50 HP का है अपना, इसमें बड़े वाले टायर दिए गए हैं। अगर आपको इसमें 4-व्हील ड्राइव भी चाहिए, तो वो भी मेरे किसान भाइयों को ऑप्शन है, 4-व्हील ड्राइव भी खरीद सकते हैं। और इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टेयरिंग मिलती है, जो कि आपको डुअल सिलेंडर एक्टिंग के साथ इसमें पावर स्टेयरिंग दी गई है, जो आपने अदर ट्रैक्टरों में देखे होंगे कि सिंगल सिलेंडर एक्टिंग के साथ पावर स्टेयरिंग रहती है, एक यहाँ पर जे वाला लगा रहता है सिलेंडर, और एक रॉड लगा दी जाती है एक टायर से दूसरे टायर तक, जो ढकेलती है। लेकिन इस ट्रैक्टर में मेरे किसान भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी ने काफ़ी सावधानी बरतते हुए निर्माण किया है इस ट्रैक्टर का। जैसे कि आपका अगर एक पाइप फट भी जाता है एक साइड का, तो आपका एक साइड का काम करता रहेगा। इसमें मेरे किसान भाइयों को मुसीबत झेलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सावधानी बरतते हुए इस ट्रैक्टर को बनाया है। और यहाँ पर हॉल भी दिए गए हैं इस वाले में, आप देख सकते हैं हॉल किस लिए दिए गए हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कि जैसे आपको आगे लोडर लगवाना है या रीपर वगैरह लगवाना है, तो कंपनी द्वारा ही इस ट्रैक्टर में हॉल दिए गए हैं। जैसे आप कमर्शियल व्हीकल में यूज करते हैं, JCB बनवा सकते हैं इस ट्रैक्टर को, तो सब कुछ बनवा सकते हैं इस ट्रैक्टर को, इसलिए कंपनी ने इसमें हॉल दिए गए हैं, ताकि मेरे किसान भाई जो भी एम्प्लीमेंट लगाएं, वो आसानी पूर्वक लग जाए, फिटिंग हो जाए। और यहाँ पर इसमें एक
डीजल फिल्टर मिल जाता है। अब इसके बोनट को ओपन करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ से इसका बोनट ओपन होता है, इसको नीचे साइड खींचेंगे तो आपका बोनट ओपन हो जाएगा। तो ये आपका बोनट ओपन हो गया है, जो इस तरह का आपको इंजन मिलने वाला है। यहाँ पर इसमें चार सिलेंडर इनलाइन पंप दिया गया है, जो आपको बहुत ही अच्छा शानदार पंप मिलने वाला है इस ट्रैक्टर में। आपने अदर ट्रैक्टरों में भी देखे होंगे, खासकर सभी ट्रैक्टरों में जो है कि इनलाइन और बॉस कंपनी का ही पंप आता है, वो ही पंप इस ट्रैक्टर में भी यूज किया गया है। ये ट्रैक्टर आपको 50 HP की ताकत निकाल के देता है चार सिलेंडर के साथ। और रेटेड RPM की बात कर लेते हैं तो 2100 रेटेड RPM पर पूरी तरह से 50 HP निकाल के देगा मेरे किसान भाइयों। इसमें 197 NM का टॉर्क दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको टॉर्क भी देखने को मिल जाता है। क्या होता है कि जो ट्रैक्टर वगैरह जो लोडर वगैरह वाहन होते हैं वो टॉर्क पर डिपेंड करते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा टॉर्क मिलने वाला है। आप भारी से भारी एम्प्लीमेंट इस ट्रैक्टर में आसानी पूर्वक चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली ऐसी नहीं है जो आपको लगे कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉर्क मिलने वाला है। और यहाँ पर इसमें एक JCB वाला एयर फिल्टर मिलने वाला है। आपने JCB वगैरह में ऐसा एयर फिल्टर देखा होगा, हवा से साफ़ करने वाला। इसमें क्या होता है कि मेरे किसान भाइयों को खर्चा जाता है। अब कैसे खर्चा बचता है मेरे किसान भाइयों का, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने देखे होंगे पुराने ट्रैक्टरों में या अदर कंपनियों के ट्रैक्टर में देखे होंगे आपने, एयर फिल्टर ऑयल कूलेड आते हैं, तो नीचे उनमें 2.5-3 लीटर ऑयल डलता है, जो आपको या तो सर्विस पर बदलवाना होता है, या आपने सर्विस पर नहीं बदलवाया है उस ऑयल को, तो आपको दूसरी सर्विस पर तो बदलवाना ही बदलवाना होता है। क्या होता है कि उसमें धूल मिट्टी वगैरह इतनी आ जाती है, अगर आप नहीं बदलवाएंगे उस ऑयल को तो आपके इंजन वगैरह में प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए काफ़ी सावधानी बरतते हुए कंपनी ने इस ट्रैक्टर में एयर फिल्टर दिया गया है, जो आपको हवा के थ्रू इसका साफ होगा। इसमें आपको 0% का खर्च दिया गया है, बिल्कुल भी इसमें खर्चा होने वाला नहीं है। आप यहाँ से खोलिए इसको, और जो इसमें बीच में फिल्टर डला हुआ है उसको निकालिए बाहर, अपने एक पंप वगैरह या कहीं पर कंप्रेसर वगैरह पर जाकर आप उसमें 10 रुपये लेगा ओनली आपसे, और वो अच्छी तरीके से साफ कर देगा। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे मेरे किसान भाई लगातार ट्रैक्टर को चलाते हैं तो फिल्टर वगैरह के बारे में नहीं देख पाते हैं कि मुझे साफ़ करना है या नहीं करना है, नहीं दे पाते हैं ध्यान, तो कंपनी ने इसमें एक और अच्छी चीज़ दे दी गई है कि यहाँ पर एक सेंसर भी दे दिया गया है। जैसे ही आपका फिल्टर चोक होता है तो आपको इंडिकेट करने लगेगा वहाँ डिस्प्ले पर कि आपका फिल्टर चोक हो गया है। तो मेरे किसान भाई समझ सकते हैं कि हमारा फिल्टर चोक हो गया है, तो फिर जाके इस फिल्टर को निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं, तो आसानी से आपको ये सुविधाएं भी मिल जाती हैं इस ट्रैक्टर में। बाकी आप रेजुलेटर देख रहे हैं, इसमें बड़ा वाला रेजुलेटर दिया गया है, जिससे क्या होता है कि अगर आप ट्रैक्टर को लगातार 24 घंटे भी चलाते हैं तो आपका ट्रैक्टर बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ा वाला रेजुलेटर दिया गया है। और यहाँ पर कूलेंट स्टॉक के लिए एक बोतल दी गई है, जिसमें आपको यहाँ पर कूलेंट स्टॉक में मिल जाता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत कम भी पड़ता है रेजुलेटर में, तो यहाँ जो स्टॉक कूलेंट है वो यहाँ से एडजस्ट होता रहता है, तो आपको मैक्सिमम यहाँ तक रखना है, और तो मिनिमम के लिए लाइन यहाँ पर दी गई है, तो इनके बीच में कूलेंट रखना है। अभी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे कोई कस्टमर खरीदता है तो इसको मैनेज कर देंगे, इसके नीचे ही कर देंगे। रेजुलेटर में भी जाली वगैरह दी गई हैं, ताकि इसमें भी कचरा वगैरह ना जाए, और इस जाली को मेरे किसान भाई खोल भी सकते हैं। जैसे साफ़ करनी है, अगर आपके इसमें धूल मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत आ भी जाती है, तो इस जाली को खोलिए और आप रेजुलेटर को भी घर पर साफ़ कर सकते हैं। और मेरे किसान भाइयों, आपको कवरिंग के साथ इसका साइलेंसर मिलने वाला है, जो कि क्या होता था कि आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर में देखे होंगे साइलेंसर खुला हुआ रहता था, उस पर कोई भी सेफ्टी गार्ड नहीं लगे रहते हैं, तो इससे मेरे किसान भाइयों के हाथ जल जाते थे, नहीं दे पाते ध्यान, कहीं से चल के आया है आपका ट्रैक्टर तो गर्म रहता था, तो आपका हाथ धो के धड़ाके से रख गया तो हाथ जल जाता था। कंपनी ने काफ़ी सेफ्टी बरतते हुए इस ट्रैक्टर को बनाया है, इसलिए साइलेंसर में इसको कवरिंग के साथ दिया गया है, इसमें सेफ्टी गार्ड लगाया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों का हाथ वगैरह ना जाए। अगर धो के धड़ाके से वो हाथ रख भी देते हैं तो उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और जो इसकी बैटरी दी गई है वो साइड में शिफ्ट की गई है, आपको बड़ी वाली इसमें बैटरी मिलने वाली है। जैसे कि ये 50 HP का ट्रैक्टर है तो ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसमें आपको बड़ी वाली बैटरी दी गई है, और इसकी जो बैटरी है साइड में शिफ्ट की गई है यहाँ पर। जैसे क्या होता है कि अदर कंपनियों के ट्रैक्टरों में
कहीं सामने कर देते हैं शिफ्ट वहाँ पर, या फिर वहाँ पर कर देते हैं, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपका ट्रैक्टर पुराना हो जाता है तो बैटरी का ऑयल वगैरह गिरने लगता है, तो वो ट्रैक्टर पर गिरता है तो आपका ट्रैक्टर ख़राब होने लगता है। इसलिए काफ़ी सावधानी बरतते हुए कंपनी ने बैटरी को साइड में शिफ्ट किया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों को ट्रैक्टर की भी सुरक्षा बनी रहे और मेरे किसान भाइयों को ऐसा ना लगे कि हमारा ट्रैक्टर ख़राब हो रहा है। तो कंपनी ने बहुत अच्छा आपको ये भी सिस्टम मिल जाता है, और यहाँ पर इसमें फिल्टर वगैरह दिए गए हैं। जैसे कि जो बड़ा वाला फिल्टर दिया गया है, ये आपका हाइड्रोलिक फिल्टर है, जो आपके हाइड्रोलिक में ऑयल वगैरह जाता है और पावर स्टेयरिंग में ऑयल वगैरह जाता है, तो ये फिल्टर करेगा, साफ करेगा। तो ये बड़ा वाला फिल्टर है, आपको जितनी भी सर्विस कराते हैं मेरे किसान भाई, हर सर्विस पे इसको बदलवाना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि इसी से आपका जो कचरा वगैरह ऑयल में रहता है, जो इसके इंजन के टूटे फूटे थोड़े जो घिसावट होती है इंजन के अंदर, उसका जो लोहा थोड़ा थोड़ा आता है तो वो ये फिल्टर कर लेता है, वो अपने अंदर ले लेता है। तो इसे बदलवाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर किसान भाई इसको नहीं बदलवाते हैं तो भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरे किसान भाई जब भी सर्विस करवाते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर बदलवाएँ। अब किसान भाइयों इसके पीछे के टायर साइज की बात कर लेते हैं, तो पीछे भी इसमें बड़े वाले टायर दिए गए हैं, जिनका साइज मिलने वाला है 14x28 की। इसमें बड़े वाले टायर दिए गए हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे मेरे किसान भाई इसको जुताई वगैरह में चलाते हैं या भारी एम्प्लीमेंट में चलाते हैं, आपने देखे होंगे कि कमर्शियल व्हीकल में यूज करते हैं, तो रोड वगैरह पर चलाते हैं, तो क्या होता है कि डबल जैक वाली ट्राली भी चलाते हैं कुछ किसान भाई मेरे, तो इस टायरों में आराम से चला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटे टायर दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं, और इसमें जुताई वगैरह भी बहुत अच्छी होती है, इनमें स्लिप होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर देखे होंगे इसी सेम 50 HP में, तो उस टायर स्लिप होने लगते, कहीं उनमें टायर छोटे मिलते हैं, लेकिन इसमें मेरे किसान भाइयों बड़े वाले टायर मिलने वाले हैं, 14x28 के बड़े वाले टायर दिए गए हैं, जिनसे क्या होगा कि आपके बिल्कुल भी फिसलन नहीं करेंगे ट्रैक्टर, और बहुत अच्छी ताकत लगाते हैं। यहाँ पर एक हैलोजन बल्ब यहाँ भी दिया गया है, जिससे आप अगर रात में काम करते हैं तो उजाले के लिए यहाँ पर भी एक हैलोजन बल्ब मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। और जो इसकी लिफ्ट क्षमता दी गई है, वो भी आपको इसकी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, 17 क्विंटल की इसमें लिफ्ट क्षमता दी गई है, यानी कि 1700 kg की। तो 17 क्विंटल तक वजन आप इससे उठा धर सकते हैं लिफ्ट क्षमता से। बाकी इसमें आपको PTO रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों साइड मिलने वाली है। ऐसे कि मैं बता दूं कि कुछ किसान भाई कमर्शियल व्हीकल में यूज करते हैं, तो खम्भे गाड़ने की मशीन वगैरह लगवा लेते हैं, या JCB वगैरह लगवा लेते हैं, और भी कोई एम्प्लीमेंट चलाते हैं, ठेसिंग वगैरह चलाते हैं, तो इसमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों साइड PTO मिलने वाली है। जैसे कि आपने देखे होंगे मूँगफली की ठेसरों में इसकी खासकर, या गेहूं की ठेसरों में इसकी खासकर ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपकी ठेसर है वो फंस गई है, उसके अंदर जाम हो गई है, तो आप इसको उल्टी भी चला सकते हैं और सीधी भी चला सकते हैं। तो आप इसको उल्टा चला देंगे तो आपकी वो जितनी भी फंसी हुई अंदर वो फसल है वो बाहर निकल जाएगी, तो आपकी ठेसर बिल्कुल भी फंसेगी नहीं। और इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी दिए गए हैं मेरे किसान भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, जिससे क्या होता है कि आप पल्टी प्लाउ वगैरह भी आसानी से चला सकते हैं। कंपनी फिटिंग ही डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं, और इसमें डबल जैक की भारी लोड वाली ट्राली भी चला सकते हैं। जो PTO लीवर दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, बिल क्लच मिलने वाला है इस ट्रैक्टर में आपको, तो क्लच दबाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इसको चला सकते हैं। और ट्राली में लाइट वगैरह ले जाने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है, जिससे क्या होता है कि अगर आपको ट्राली में लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से इसके तार फेंसिंग द्वारा आप ट्राली में लाइट ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक वाटर होल्डर मिल जाता है, जैसे मेरे किसान भाई ज़्यादा टाइम तक ट्रैक्टर को चलाते हैं तो एक पानी की बोतल यहाँ पर रख सकते हैं, प्यास वगैरह लगती है तो यहीं से उठा के पी सकते हैं। तो किसान भाइयों जैसे कि आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टर में देखे होंगे जो एक्सल हैं वो बहुत पतले पतले मिलते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर में काफ़ी मोटे एक्सल दिए गए हैं, और साथ में यहीं पर हॉल वगैरह भी दिए गए हैं, इस साइड भी दिए गए हैं। तो इन हॉल का क्या काम है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर आगे लोडर लगवाते हैं जो उसके एंगल डलते हैं, तो यहीं से सपोर्ट के लिए इनमें बैठ जाते हैं, और अगर आप इसमें पीछे JCB वगैरह बनवाते हैं, पीछे विकेट लगवाते हैं, तो कंपनी द्वारा ही इनमें हॉल दिए गए हैं, ताकि मेरे किसान भाइयों को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े।
कंपनी फिटिंग से ही आपको ये हॉल वगैरह भी मिल जाते हैं। अब मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर पर बैठ के भी बताते हैं। तो बैठने के लिए सबसे पहले एक जीना यहाँ पर दिया गया है और जो इसका प्लेटफार्म दिया गया है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें जेसीबी जैसा प्लेटफार्म दिया गया है, जैसे जेसीबी में आपने देखा होगा लंबा चौड़ा प्लेटफार्म रहता है, वैसे ही इसमें एक लंबा चौड़ा प्लेटफार्म दिया गया है जिससे मेरा किसान भाई ट्रैक्टर चलाता है तो उसको किसी भी प्रकार की घुटन टाइप की ना हो, एक खुला सा प्लेटफार्म मिलने वाला है जिससे आसानी से चला सकता है। इसमें डुअल क्लच मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों, तो इस ट्रैक्टर पर कुछ इस तरह से आप चढ़ सकते हैं और इस सीट पर इस तरह बैठ सकते हैं। सीट भी मेरे किसान भाइयों उसमें काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है। आप लगातार 2 से 4 घंटा या 6 घंटा कितनी भी ट्रैक्टर को चलाते हैं मेरे किसान भाई तो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल इसमें सीट दी गई है। और जो इसमें ब्रेक मिलने वाला है मेरे किसान भाइयों वो आपको मल्टी डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, ऑयल में डूबे हुए ब्रेक दिए गए हैं। अब जो ऑयल में डूबे हुए ब्रेक होते हैं उनसे क्या होता है कि जो आपने अदर कंपनियों के ट्रैक्टरों में देखे होंगे तो जैसे ब्रेक लगाते हैं मेरे किसान भाई तो उनमें आवाज़ आने लगती है, चीं चीं या कुछ और भी आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन इसमें ऑयल में डूबे हुए ब्रेक मिलने वाले हैं तो इसलिए इस ट्रैक्टर में आपको बिल्कुल भी ब्रेकों में आवाज़ नहीं आएगी और ये लंबे समय तक चलती हैं ब्रेक, इनमें जल्दी ख़राबी नहीं आती है। और यहाँ पर एक मिरर भी दिया गया है, जैसे आप रोड पर चलाते हैं तो यहीं से आप पीछे का देख सकते हैं। यहाँ से इसका फ्यूल टैंक दिया गया है तो यहाँ से ये वाला ढक्कन खोलिए तो इसके अंदर बड़ा फ्यूल टैंक मिलने वाला है आपको, लगभग इसमें 55 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक मिलने वाला है जिससे मेरे किसान भाई एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराते हैं तो एक लंबे समय के लिए हो जाता है, उनको जल्दी जल्दी पेट्रोल पंप तक नहीं भागना पड़ेगा। इसमें मेरे किसान भाइयों के पैसों की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी क्योंकि पेट्रोल पंप तक बार बार जाएंगे तो उसमें आपके ट्रैक्टर का भी डीजल खपत होगा तो उसमें पैसे लगेंगे और टाइम भी लगेगा, इसलिए कंपनी ने इसमें बड़ा वाला टैंक दिया गया है ताकि मेरे किसान भाइयों को इसमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। एक बार फुल करा लेते हैं तो एक लंबे समय के लिए हो जाता है। और जो इसका डैशबोर्ड दिया गया है कुछ इस तरह का दिया गया है, जितने भी इसमें नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं आप सब इसके काम करेंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आपके इंजन में कुछ भी आती है तो यहाँ पर शो करने लगेगी, जैसे कि अभी इसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ है पावर ब्रेक तो आपको ये रेड बत्ती ऑन है और आप ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर देते हैं अभी गियर में है तो अभी आपकी ये न्यूट्रल बत्ती जल जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि जितने भी इसमें ये नोटिफिकेशन दी गई हैं वो सारी काम करती हैं, जैसे मैंने ट्रैक्टर को न्यूट्रल कर दिया तो वो वाली बत्ती भी जल गई, लाइट मैंने ऐसी जलाई तो लाइट भी आपकी यहाँ पर शो करने लगी, इंडिकेटर जलाए तो इंडिकेटर भी शो करने लगे, लेफ्ट राइट दोनों शो करने लगे। और जो स्टेयरिंग दी गई है काफ़ी अच्छी, इसमें स्टेयरिंग मिल जाती है आपको, पावर स्टेयरिंग दी गई है, एक हाथ से ही आप इसका चला सकते हैं जुताई वगैरह में। तो कुछ भाइयों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम पावर स्टेयरिंग में ट्रैक्टर खरीदें या नॉन पावर स्टेयरिंग यानी कि सादा ट्रैक्टर खरीदें, तो वो काम पर डिपेंड करता है। जैसे आप इसको रोड वगैरह में चलाते हैं ट्रैक्टर को तो आप सादा स्टेयरिंग खरीद सकते हैं, अगर आप जुताई वगैरह में कच्ची सड़कों पर चलाते हैं ट्रैक्टर को तब तो आप पावर स्टेयरिंग ही लीजिए, उसमें आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी क्योंकि रोड वगैरह पर तो ऐसा रहता है कि ट्रैक्टर जल्दी मुड़ जाता है और कच्ची रास्ताओं में हैंडल मोड़ने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो किसान भाइयों अगर आप खेतीबाड़ी करते हैं और कच्ची ज़मीनों पर चलाते हैं ट्रैक्टर को तो आप पावर स्टेयरिंग ही ट्रैक्टर खरीदना। और यहाँ पर इसकी RPM वगैरह दी गई है और मैंने RPM बता ही दी है कि 2100 रेटेड RPM पर पूरी 50 HP ट्रैक्टर निकाल के देगा। और यहाँ पर इसका घंटे शो करेगा कि कितने घंटे आपने ट्रैक्टर को चला लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके गियर के बारे में, तो मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर जितने गियर आपको किसी भी कंपनी के ट्रैक्टरों में इतने गियर देखने को नहीं मिलेंगे जितने गियर इस ट्रैक्टर में आपको मिल रहे हैं। टोटल इसमें 15 गियर दिए गए हैं, जैसे कि इसमें एक देख पा रहे हैं इसमें लो के लिए दिया गया है, एक मीडियम के लिए दिया गया है, एक हाई के लिए दिया गया है, यहाँ बीच में रहेगा इस तरह तो आपका न्यूट्रल रहेगा और आप आगे साइड ले जाएंगे तो लो लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस वाले लीवर की, तो इसमें आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड में इसके 4 गियर दिए गए हैं और R4 होता है रिवर्स, तो रिवर्स में एक गियर दिया गया है। तो जैसे कि आप इस वाले गियर को लो लगाते हैं तो आपके 4 गियर इसके फॉरवर्ड में जाएंगे और एक रिवर्स में जाएगा, और इसी तरह आप अगर मीडियम लगाते हैं तो यही सिस्टम मीडियम में होने वाला है और यही सिस्टम इसका
हाई में होने वाला है। तो टोटल इसमें मेरे किसान भाइयों 15 गैर मिलने वाले हैं। और ट्राली उठाने धरने या पल्टी प्लाऊ बदलने के लिए यहाँ पर भी एक लीवर दिया गया है, जो कंपनी फिटिंग लीवर मिलने वाला है आपको। क्या होता था कि मेरे किसान भाइयों ट्राली उठाने धरने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते थे, क्योंकि जो कल्टीवेटर के कंट्रोल दिए गए हैं इन्हीं से ट्राली उठती थी और इन्हीं से पल्टी प्लाऊ वगैरह और इन्हीं से कल्टीवेटर भी कंट्रोल होता था। इसलिए कंपनी ने काफ़ी सावधानी बरतते हुए इसमें अलग से लीवर दिया गया है कि ताकि मेरे किसान भाई किसी तरह से कंफ्यूज ना हो और किसी तरह से उन्हें मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ से आप ट्राली उठा दे सकते हैं। और जो ए वाला गियर दिया गया है तो इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आपका ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है कीचड़ वगैरह में तो आप इसको दबाते हैं तो आपको इसमें डबल ताकत मिलने लगती है। जैसे ही आप इस गियर को दबाएंगे तो आपका ट्रैक्टर उछलने लगेगा, यानी कि क्या होता है कि फोर व्हील ड्राइव वाली ताकत आपको टू व्हील में मिलने लगेगी, तो आपका ट्रैक्टर उछलने लगेगा तो आराम से कीचड़ वगैरह से बाहर निकल जाएगा, वहीं पर फंसा नहीं रहेगा। और ए वाला आपका पावर ब्रेक दिया गया है, हैंड ब्रेक, तो अभी हैंड ब्रेक लगा है, मैंने बता ही दिया है आपको। अब बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों इसके प्राइस के बारे में। तो 2024 में जो कोई सी भी कंपनी का ट्रैक्टर हो सब में प्राइस में वृद्धि होती है, तो थोड़ी बहुत वृद्धि इस ट्रैक्टर में भी हुई है। 2000 जैसे ही साल बदलती है, जैसे कि अभी 2023 लगा था तो 2023 के हिसाब से इसकी प्राइस कम थी थोड़ी, अब 2024 लग गया तो इसकी प्राइस में थोड़ी सी वृद्धि हो गई है। तो इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ऑन रोड प्राइस लगभग आपको 8,80,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइस रखी गई है कंपनी ने। और डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो मेरे किसान भाई इसमें 20-30% के बीच में डाउन पेमेंट करके इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों इसके डीजल खपत के बारे में, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में सबसे मेन होता है डीजल, कि आपका ट्रैक्टर कितने लीटर तक डीजल उठाता है। तो ये ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी का है, महिंद्रा कंपनी ने पूरा ट्रैक्टर को बनाया है। तो महिंद्रा कंपनी के जो ट्रैक्टर होते हैं वो माइलेज के मास्टर होते हैं, उनमें लिख कर भी आता है माइलेज के मास्टर होते हैं, यानी कि बहुत ही कम तेल खाते हैं। आपने देखे होंगे मेरे किसान भाइयों के पास सबसे ज़्यादा महिंद्रा कंपनी के ही ट्रैक्टर रहते हैं। एक मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग के जो किसान होते हैं वो इनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं खपत के बारे में बात करूं तो जैसे मेरे किसान भाई इसको कल्टीवेटर में चलाते हैं तो कल्टीवेटर में इसका बहुत अच्छा माइलेज होने वाला है, आपका 3.5 से 4 लीटर के आसपास डीजल खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि 50 HP में है भैया, तो थोड़ा बहुत तो डीजल जो आपका 3 सिलेंडर से तो ज़्यादा खाएगा, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर मिलने वाले हैं आपको और 50 HP में ट्रैक्टर है, तो थोड़ा सा इसमें तेल आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। 3.5 से 4 के बीच में आपको 1 घंटे में पर लीटर के हिसाब से माइलेज मिलने वाला है। बाकी आप इसको ठेसिंग वगैरह में चलाते हैं तो ठेसिंग वगैरह में कुछ इसी तरह का माइलेज रहता है। बाकी ठेसिंग वगैरह में फसल पर भी डिपेंड करता है कि फसल गीली तो नहीं है, सूखी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाता है। बाकी इसका रोड पर बहुत अच्छा माइलेज है, रोड पर 1 लीटर में 8 से 10 किलोमीटर जाएगा, रोड पर बहुत अच्छा इसका माइलेज देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। अब बात करें इसके वारंटी के बारे में तो मेरे किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको 6 साल की वारंटी मिलने वाली है। वारंटी जो मिलने वाली है आपको इंजन की, गेयरबॉक्स की और हाइड्रोलिक की, इन 3 चीज़ों की वारंटी मिलने वाली है 6 साल की। 6 साल या 6,000 घंटे, अगर आप 6,000 घंटे चला लेते हैं तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, अगर आप 6 साल चला लेते हैं तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। 6 साल के बीच में या 6,000 घंटे के बीच में कोई भी आपके ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आती है, या इंजन में आती है, हाइड्रोलिक में आती है या गेयरबॉक्स में आती है, तो इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी इनमें रिपेयर करके देगी। अगर रिपेयर लायक नहीं होंगे ये पार्ट तो कंपनी इनमें नए बदल के देगी। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सभी मेरे किसान भाइयों को बाय।